जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। हर किसी को यहाँ पे बोल सकता है कि भाई रिसर्च क्या है ना, रिसर्च फिर से ढूंढना और खोजना, उसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। लेकिन हम लोग ये पर्टिकुलर बुक को फॉलो करके इसका हिसाब से एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, क्वेश्चन बेसिस में करेंगे, ठीक है। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे मैं दिखा देता हूँ कि पहला रिसर्च का मीनिंग कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, या मतलब कैसे दिमाग में क्वेश्चन सेटअप कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बोलता है कि भाई सिंपल रिसर्च का आप डेफिनेशन बता दो। इस तरह का चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे। पहला बोल रहा है कि कैजुअल इन्वेस्टिगेशन इंटू वेरियस टॉपिक्स। आपको लग रहा है कि जो रिसर्च है, पहला कंडीशन आपको होना चाहिए कि ये बुक का जो है मीनिंग ऑफ रिसर्च, जो पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आ जाता है, उसका एक बार आप रीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का बेसिस में करिए, तो अच्छा खासा आपको याद हो जाएगा कि भाई सिंपल जनरल डेफिनेशन क्या है रिसर्च का। जैसे कि पहला ऑप्शन में हम लोग अगर चेक करेंगे तो कैजुअल इन्वेस्टिगेशन इंटू वेरियस टॉपिक्स, कोई भी एक टॉपिक को आप अगर उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या इसको हम लोग रिसर्च का डेफिनेशन मानेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है कि रैंडम कलेक्शन ऑफ डाटा विदाउट स्पेसिफिक पर्पोज। हर एक रिसर्च पे रिसर्च का क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्पोज होता है, विदाउट पर्पोज उस रिसर्च का कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये भी डेफिनेशन गलत हो गया, ठीक है। सी वाला ऑप्शन को देखते हैं, ए सर्च फॉर नॉलेज एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक टॉपिक। तो यहाँ पे रिसर्च बोल दिया स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगभग जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च का मैच कर रहा है। चार नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं, पर्सनल ओपिनियन अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो ये भी नहीं है। पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि भाई ये पर्टिकुलर, जैसे कि एक केस मैं बोलूंगा कि जैसे अभी इलेक्शन गया है, 2024 का इलेक्शन गया है, अभी सेंटर में बीजेपी का इतना 240 सीट मतलब उनको मिला, तो लगभग 273 इस तरह का कुछ चाहिए था उन लोगों को मेजोरिटी लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सेटअप करेंगे, पुट अप करेंगे कि भाई क्यों बीजेपी गवर्नमेंट मतलब मैक्सिमम सीट नहीं ला पाया 2024 का इलेक्शन में, यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो रहा है। अभी मैं पर्सनल ओपिनियन बोलूंगा कि मोदी जी बोले थे कि भाई 400 ऊपर मतलब उनका सीट आएगा, कहाँ पे ना जब इलेक्शन होगा। तो ये पर्सनल ओपिनियन देने से कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में आप देख सकते हो कि बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, पर्टिकुलर ओपिनियन खुद का हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन अगर रिसर्च कर रहे हो तो भाई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन दूर होगा, जहां पे जब मैं बोल रहा हूँ कि जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च के लिए पर्टिकुलर भाई सब्जेक्ट का आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। और क्या है कि भाई रैंडम कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, सिंपल कैजुअल इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हो, कैजुअल इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, तभी ये रिसर्च का मीनिंग आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो रिसर्च मीनिंग क्या है, ए सर्च ऑफ नॉलेज एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इन ए स्पेसिफिक टॉपिक। स्पेसिफिक टॉपिक 2024 में बीजेपी ने क्यों मेजोरिटी हासिल नहीं किया, 303 सीट किया था 2019 का इलेक्शन में, लेकिन अभी 2024 का इलेक्शन में अगर ये अगर आपका कोई पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन एक तो है स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, 2024 में बीजेपी क्यों मतलब 240 सीट लिया, मेजोरिटी क्यों नहीं ले पाया, उसके लिए आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तभी जाके आप ये वाला क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं कि भाई क्यों 2024 में बीजेपी ने 240 लाया, मेजोरिटी नहीं लाया। जब तक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, रैंडम वीडियो देख के रैंडम डिसीजन लोगे, तो तब उसको हम लोग कभी रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च को आप यहाँ पे ऑप्शन सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, सर्च फॉर नॉलेज एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। आपके आंसर भी यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, आंसर सी हो गया, ठीक है। पहला आपको जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है दिमाग में सेटल हो गया, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है। रैंडम
सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वेरियस टॉपिक नहीं होना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, रैंडम कलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सर्च फॉर नॉलेज एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक टॉपिक। तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये भाई जनरल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? वही जो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीआर कोटरी का बुक में दिखाया था उसी में ही जो थ्योरी लिखा है उसी को मैं क्वेश्चन बना के यहाँ पे रखा हूं ताकि आपका एक्टिव लर्निंग प्रोसेस डेवलप हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन कुछ गेन नहीं हो रहा है। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन एरिया आता है तब दिमाग में थोड़ा सा हलचल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश डिक्शनरी है, रिसर्च इज, मतलब रिसर्च का डेफिनेशन बताओ एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के बेसिस में। ये वाला मतलब जो लिखा हुआ है बुक्स में लिखा हुआ है उसी को मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है ए सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, क्या ये रिसर्च में इंक्लूड हो सकता है? ये वाला मतलब ऑप्शन ए। अब जो थोड़ा सा सोचो कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इस बार बहुत अच्छा खासा गर्मी हुआ है, 52-53 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कि भाई गर्मी आ रहा है, 50-52 का टेम्परेचर में चल रहा है। सिंपल ऑब्जर्वेशन आप बोलोगे सिर्फ पेड़ काटने से यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी ज्यादा लगता है, तो अभी पेड़ लगाना स्टार्ट करो। अगर ये वाला सिंपल ऑब्जर्वेशन आप बोलोगे तो ये रिसर्च में इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ पेड़ लगाने से, पेड़ तो लगाना पड़ेगा, उसके अलावा और कौन कौन सा वेरिएबल, कौन कौन सा वेरिएबल छोड़ो, कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? इंडस्ट्री का पॉल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बहुत कुछ वेरिएबल होता है, उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन लेके कोई नेचुरल फेनोमेनन को अगर बोल रहे हो तो क्या वो रिसर्च हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ये वाला पॉइंट ए जो है, ऑप्शन ए, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेसिफिकली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ठीक ठाक लग रहा है रिसर्च का डेफिनेशन। बाकी अगर दो सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन भी देखोगे, अनस्ट्रक्चर्ड गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप बोल रहे गर्मी क्यों हो रहा है, कुछ भी रैंडमली आप बोल देगा कि भाई एसी ज्यादा लग रहा है इसलिए गर्मी लग रहा है, मतलब एसी में एग्जॉस्ट में ज्यादा हवा, क्या मतलब हवा गर्म निकलता है, एक रूम को कंट्रोल टेम्परेचर में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसके लिए तो आप बोल नहीं सकते हो कि भाई रैंडम फैक्ट लगा के इंफॉर्मेशन दो और उसको बोलोगे रिसर्च, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन डी में, थियोरेटिकल अजम्पशन विदाउट एविडेंस। विदाउट एविडेंस में आप एक अजम्पशन मतलब बोल दो कि गर्मी क्यों हो रहा है, 52 डिग्री सेल्सियस क्यों हो रहा है, ना सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी मैं बोला था गर्मी क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है कि बहुत कुछ फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, पेड़ काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कंजप्शन मतलब इंसान का जो कंजप्शन रेट ज्यादा बढ़ चुका है, और भी बहुत कुछ फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। बहुत बहुत इंडस्ट्री है उसका वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो भी एक मैटर होता है कि मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए। तो बहुत कुछ मतलब एविडेंस आपको इकट्ठा करना पड़ेगा रिसर्च के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अब ऑब्वियसली आप ऑप्शन बी को ही बोलोगे आंसर हो गया। ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफिकली थ्रू स्पेसिफिक न्यू फैक्ट्स, फैक्ट्स होना चाहिए, और एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, कोई भी ब्रांच का होगा, इंजीनियरिंग का हो जाएगा, मैनेजमेंट का हो जाएगा, सोशल साइंस का हो जाएगा, एजुकेशन के ऊपर हो जाएगा, कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में अगर आप सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स कर रहे हो, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तभी हम लोग को रिसर्च बोलेंगे। तो रिसर्च का दो दो डेफिनेशन यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे भी मैं खोल के दिखा देता हूँ भाई, आंसर बी है, ऐसा नहीं कि आंसर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो रिसर्च का आप आइडिया आ रहा है कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च में मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि रिसर्च मैक्सिमम जब स्टार्ट करते हो आप रिसर्च के ऊपर बुक पढ़ते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, तब दिमाग में आ जाता है भाई रिसर्च क्या है, रिसर्च फिर से ढूंढना है उसको, लेकिन कैसे ढूंढना है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको न्यू फैक्ट्स चाहिए कोई भी ब्रांच के लिए, ये एक रिसर्च का एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
बुक को अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे रेडमैन एंड मोरी का जो डेफिनेशन दिया है उनके हिसाब से रिसर्च क्या है, यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दिया हूँ। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं अनप्लान्ड एक्सप्लोरेशन। अनप्लान्ड एक्सप्लोरेशन तो होगा ही नहीं अगर आप रिसर्च कर रहे हो और ये डिफरेंट आइडियाज बोल रहे हैं। रिसर्च किसे होना चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। डिफरेंट आइडिया के ऊपर अगर रिसर्च करोगे तो आप फंस जाओगे, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। आपका पर्टिकुलर होना चाहिए टॉपिक, डिफरेंट आइडियाज के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिंगल आइडिया के ऊपर आप कर सकते हो, अनप्लान्ड तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी के ऊपर चलते हैं, सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ये हो सकता है सिस्टमेटिक, हम लोग एक प्रोसेस में जा रहे हैं उसके हिसाब से न्यू नॉलेज गेन कर सकते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये भी रिसर्च में आ जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आ जाता है, मतलब रिसर्च के हिसाब से। लेकिन रेडमैन एंड मोरी क्या कह रहे हैं उनके हिसाब से क्या है वो आपको ऑप्शन में ढूंढ के देना है। ठीक है, अन इंफॉर्मेशनल इनफॉर्मल डिस्कशन तो नहीं होगा, रिसर्च के लिए आप इनफॉर्मल नहीं कर सकते कि आप रैंडमली कुछ बोल दिए अबाउट द साइंटिफिक टॉपिक। जैसे यूट्यूब चैनल में आजकल बहुत कुछ खुद के हिसाब से डाटा कलेक्ट करके रैंडमली बोल देते हैं, उस तरह का अगर इनफॉर्मल डिस्कशन रहेगा तो वो रिसर्च हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका हो गया रेडमैन एंड मोरी के हिसाब से रिसर्च क्या है। रेडमैन एंड मोरी बोल रहे कि ये क्या होना चाहिए रिसर्च, ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। 5 नंबर वाला मैं आपको बोल दूंगा भाई, मतलब क्वेश्चन बोल दूंगा, डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन उसका आंसर क्या होगा उसको आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, जो सही आंसर देगा उसके लिए मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिसर्च के ऊपर, मीनिंग ऑफ रिसर्च के ऊपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लिफोर्ड वुड्स डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। क्लिफोर्ड वुड एक रिसर्चर है, उनके हिसाब से रिसर्च का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, कौन सा नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेबल है ना, कौन सा नहीं है, तो उसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो पहला बोला है कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसको आप पहले बार, कोई भी आप जिंदगी में अगर भी कभी भी अगर रिसर्च पेपर लिखे हो तो रिसर्च पेपर का एक टाइटल होता है, उस टाइटल में पता चल जाता है कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टाइटल में पता ही चल जाता है। तो जब आप रिसर्च कर रहे हो उसके बाद उसका डाटा जब आएगा उसी हिसाब से उसको टाइटल को भी मॉडिफाई करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल मतलब क्या है, डिफाइन एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, तो ये ठीक ठाक है रिसर्च के लिए है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड सजेस्टेड सॉल्यूशन, ये भी हम लोग जब भी हम रिसर्च करते हैं हाइपोथेसिस करते हैं, अजम्पशन लेते हैं। हाइपोथेसिस का सिंपल डेफिनेशन अगर बोलोगे आप, अजम्पशन लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च का काम स्टार्ट कर सकते हो। सजेस्टेड सॉल्यूशन, रैंडमली गैदरिंग डाटा विदाउट स्पेसिफिक गोल, ये तो पर्टिकुलरली ये जो 4 ऑप्शन दिया है और यहाँ पे बोला है कि रैंडमली गैदरिंग डाटा विदाउट स्पेसिफिक गोल, ये तो रिसर्च के डेफिनेशन के बाहर से आ जाता है। तो ये ऑप्शन सी ही आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि भाई ये रिसर्च का डेफिनेशन नहीं है, तो क्लिफोर्ड वुड ने क्या रिसर्च का डेफिनेशन दिया है, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा, जो रिसर्च का ही डेफिनेशन में नहीं आता है। रैंडमली गैदरिंग डाटा, रैंडमली गैदरिंग डाटा कैसे करोगे, कभी भी आपका रिसर्च रिसर्च होना चाहिए, सिस्टमेटिक डाटा गैदरिंग होना चाहिए और स्पेसिफिक गोल के लिए होना चाहिए, यहाँ पे तो बोल दिया विदाउट गोल के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये वाला सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, केयरफुली टेस्टिंग कंक्लूजन टू सी इफ दे फिट फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो क्लिफोर्ड वुडी का अगर देखोगे रिसर्च के हिसाब से वो बोल रहे कि भाई डिफाइन रिडिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो आपका रिसर्च टाइटल होगा उसको, जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करो, फिर से रिडिफाइन कर सकते हो, हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन के हिसाब से कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, केयरफुल टेस्टिंग कंक्लूजन टू सी इफ दे फिट द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस बना के रखे हो उनके हिसाब से कंक्लूजन में जब टेस्ट कर रहे हो वो फिट हो रहा है कि नहीं, ये क्लिफोर्ड वुडी ने उनका डेफिनेशन में बताया था। यहाँ पे भी मैं आंसर दिखा देता हूँ, आंसर सी है जो कि बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये रिसर्च का ही हिसाब से नहीं आ रहा है स्पेसिफिक गोल, तो आप इजीली इसको आप आंसर मेकिंग में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन है, डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेपसन डिस्क्राइब रिसर्च इन एनसाइक्लोपीडिया एंड सोशल साइंस। तो पर्टिकुलरली बोल रहे कि भाई रिसर्च का डेफिनेशन बाय
डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेपसन, इनके हिसाब से क्या रिसर्च का डेफिनेशन है, आप आंसर बताओ। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एन इनफॉर्मल स्टडी ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जनरल इनफॉर्मल स्टडी बोल दिया, मतलब हम लोग ये रिसर्च में ही इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट सिंबल्स टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। तो रिसर्च में हम लोग वेरीफाई नॉलेज करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स क्या बोलते हैं, मतलब जो वेरिएबल रहते हैं, कोई भी रिसर्च में बिना वेरिएबल के नहीं रहेगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि अगर गर्मी 52 डिग्री 53 डिग्री कैसे आ रहा है ज्यादा, तो सिंपल नहीं बोल सकते हो कि पेड़ में पेड़ काटने से ज्यादा होता है, इंडस्ट्री पॉल्यूशन करता है उसके लिए ज्यादा होता है, वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे इसके लिए ज्यादा होता है, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जब आपको वो पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर जब बोलोगे कि भाई 52 डिग्री सेल्सियस क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से टेम्परेचर इतना क्यों हो रहा है, तो उसके लिए जो वेरिएबल है वहां पे मैनिपुलेशन करना पड़ता है, कौन सा वेरिएबल को लेंगे किसको नहीं लेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट सिंबल्स टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। तो ये पर्टिकुलर अगर देखोगे यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या है, ये एक ठो रिसर्च के रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहना चाहिए, नहीं तो वो रिसर्च का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो कैजुअल सर्वे ऑफ ओपिनियंस, ये भी एक रिसर्च का डेफिनेशन में नहीं हो रहा है, कैजुअल कुछ नहीं होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर सर्वे कर रहे हो कोई भी ओपिनियन का, किसी लोगों का सर्वे कर रहे हो, उसका रिलेशन होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलेशन होना चाहिए, कैजुअली कुछ नहीं होता है, इनफॉर्मल कुछ नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर पता हो गया है, हो गया होगा ए बी सी डी चार ऑप्शन से कौन सा आंसर होगा, कि डी स्लेसिंगर और एम स्टेपसन ने बताया कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या है। चार ऑप्शन को हम लोग अच्छे खासा डिस्कस किए, उससे आपको पता हो गया होगा ये मुझे लग रहा है। फिर भी आप आंसर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आंसर है, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आंसर दीजिए कि भाई मीनिंग ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफेंसन क्या है। चार ऑप्शन दे दिया, अच्छा खासा डिस्कस किया, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या है, पांच एग्जाम्पल दिया आपको, जनरल एग्जाम्पल दिया, पर्टिकुलरली जो डिक्शनरी में लिखा हो उसके एग्जाम्पल दिया, जो रिसर्चर है उनके हिसाब से क्या क्या रिसर्चर ने रिसर्च का डेफिनेशन और रिसर्च का मीनिंग क्या है बताया, मैं अच्छा खासा आपको बताया हूँ। अगर ये वीडियो को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। आज के लिए ये इतना ही है, जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।